अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमने कद्दू के पौधे लगाए हैं। हम इसका 3G कटिंग करेंगे, तो आइए देखते हैं 3G कटिंग किस तरह की जाती है। पहले मरहले में हम मेन ब्रांच के पत्ते गिनेंगे। तकरीबन 10 से 12 पत्तों के बाद हम मेन ब्रांच का टिप काटेंगे। ये 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, ये 7, ये 8, 9, 10, ये 11। तो इसमें ये हमने इधर से मेन ब्रांच का टिप काटा है। अब मेन ब्रांच से जो साइड ब्रांच निकलते हैं सेकंड जनरेशन के, नीचे से हम 5 साइड ब्रांच काटेंगे। ये देखिए, ये हमने निकाला है इससे, और ये 2 साइड ब्रांच, एक ये और एक ये हमने चौड़ा है। ये 5 साइड ब्रांच हमने काटे और ये 2 हमने चौड़े है। अब हम इधर से ये निकालेंगे और ये भी निकालेंगे। दोस्तों, अब दूसरे मरहले में हम ये साइड ब्रांच के टिप काटेंगे। ये थोड़े दिनों के बाद ये अब इस काबिल हो गए कि ये तकरीबन 10-12 पत्तों तक हम इसका टिप काटेंगे। ये 1, 2, 3, 4, ये 5, 7, 8, 9, ये 10 पत्तों के बाद हमने इसका टिप काटा। ये वो साइड ब्रांच है जो पहले मरहले में हमने बाकी साइड ब्रांच काटे थे और ये 2 हमने छोड़े थे। ये दूसरा साइड ब्रांच, इसको भी तकरीबन 10-12 पत्तों के बाद इसका ये टिप काटेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये सेकंड जनरेशन के साइड ब्रांच से ये थर्ड जनरेशन हमारा आया है। ये देखिए, यहाँ देखते हैं दोस्तों, ये सेकंड जनरेशन में थर्ड जनरेशन जो इसमें इंशाल्लाह मेल फ्लावर कम और फीमेल फ्लावर ज़्यादा आएंगे। ये देखिए दोस्तों, पहले मरहले में हमने जो मेन ब्रांच काटा था तो उसमें सारा मेल फ्लावर था। ये देखिए, और ये सेकंड ब्रांच में भी थोड़ा बहुत मेल फ्लावर है, और थर्ड जनरेशन में हर पत्ते के बाद फीमेल फ्लावर आएगा।